नमस्ते दोस्तों, मैं एथिकल की तरफ से आप सबको स्वागत करता हूँ एथिकल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ओपन वर्ल्ड गेम के बारे में, जो आप एंड्रॉइड फ़ोन पे खेल सकते हो। दोस्तों, बता दूँ कि ये सारे गेम जो मैं बताने वाला हूँ वो सारे गेम बहुत ही मज़ेदार गेम है, और ये खेल के आपको बहुत ही अच्छा टाइम एक्सपीरियंस भी होगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पहले गेम की तरफ से। जो हमारा लिस्ट में पहला गेम है उसका नाम है गनशिन इम्पैक्ट। एक बहुत ही बड़ा ओपन वर्ल्ड गेम है जो आपको 6.6 के बीच और 7 GB के बीच में मिल जाएगा। और ये गेम खेलने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दूँ कि ये गेम खेलने के लिए आपको बहुत ही अच्छा डिवाइस चाहिए, क्योंकि ये लो एंड डिवाइस के लिए नहीं बना है गेम। क्योंकि इसका जो ग्राफिक्स है वो बहुत ही अच्छा है, और इसका बीच बीच में जो कट सीन आते हैं वो भी बहुत ही मज़ेदार है, लगता है कि पीसी की तरह कटसीन है। और ये गेम एक बहुत ही बड़ा ओपन वर्ल्ड है इस गेम में, और स्टोरी लाइन भी होगा जो चलता रहेगा गेम के बीच में। तो इसमें जो कैरेक्टर है वो एनिमी हो गए, एनिमी कैरेक्टर होगा, जो कैरेक्टर को स्किल भी होगा स्किल, और उस स्किल को आप लेवल अप भी कर सकते हो। बहुत ही एक्शन भी है गेम में, और एडवेंचर भी है, बहुत ही अच्छा लगेगा ये गेम खेल को आपको। लेकिन ये गेम आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, और इस गेम का साइज़ थोड़ा बड़ा है क्योंकि 6.6 GB और 7 GB के अंदर है ये गेम। तो आप ये गेम खेल सकते हैं प्ले स्टोर से डाउनलोड करके। अभी हम हमारे दूसरे गेम की तरफ जाएँ तो उसका नाम है स्काई कॉम्बैट, जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, और इसका साइज़ है 450 MB। और ये गेम 450 MB के हिसाब से बहुत ही अच्छा ग्राफिक्स देता है। दोस्तों, बता दो कि ये गेम आप ऑनलाइन भी खेल सकते हो, और अपने दोस्तों के साथ ये ऑनलाइन गेम खेल सकते हो। और ये गेम एक मल्टीप्लेयर गेम है, तो मैं ये गेम खेल के शौक हो गया, क्योंकि इसका जो 450 MB का ग्राफिक्स है, और 450 MB में इतना बढ़िया ग्राफिक्स मिलता है इस गेम में। तो ये गेम बहुत ही अच्छा गेम है, आप भी खेल सकते हो, और आपको आपके दोस्तों के साथ खेल के बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड भी होगा। और ये गेम खेल के लगेगा कि आप किसी जंग में लड़ाई कर रहे हो। तो ये गेम डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो प्ले स्टोर पर, आपको ये गेम मिल जाएगा, वो भी फ्री में खेल सकते हो, और ज़्यादा MB भी नहीं, 450 MB है। तो आइए अभी बढ़ते हैं हमारा तीसरा गेम की तरफ। हमारा जो तीसरा गेम है उसका नाम है माई टाइम एट पोर्सिया, और इसका जो साइज है वो 1 GB से 900 MB के तरफ 900 MB के बीच में मिल जाएगा। और ये गेम आपको एक ओपन वर्ल्ड गेम मिलेगा, लेकिन ये गेम पे वीडियो पे आगे जाने से पहले आपको बता दूं कि ये गेम आपको प्ले स्टोर पर ज़रूर मिलेगा, लेकिन ये गेम फ्री नहीं है, पेड है, आपको पैसा देके खरीद के ये गेम खेलना पड़ेगा। लेकिन ये गेम एक बार आप खरीद लोगे तो पछताओगे नहीं, क्योंकि ये गेम बहुत ही बढ़िया गेम है, और इस पर आपको अपने खुद का दुनिया बनाना होगा, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ इतना आसानी से नहीं मिलेगा। तो ये एक सर्वाइवर गेम है, तो इसमें आपको सब कुछ अपना बनाना पड़ेगा। और ये बहुत ओपन वर्ल्ड जो है इसका, तो बहुत ही बड़ा ओपन वर्ल्ड है, और ये गेम आपको खेल के बहुत ही अच्छा लगेगा। ये गेम थोड़ा थोड़ा माइनक्राफ्ट जैसा भी है, क्योंकि यहाँ पर आपको फार्म वार्म भी बनाना पड़ता है, अपना खुद का घोड़ा उड़ा ट्रेन भी करना पड़ता है। तो इस गेम से आप इस गांव से उस गांव जा सकते हो, वहाँ से रिसर्च भी कर सकते हो, सब कुछ ढूंढ के अपना एक बहुत ही अच्छा गांव भी बना सकते हो। तो ये गेम बहुत ही अच्छा है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके खेल सकते हो, लेकिन ये गेम पेड है। तो आगे बढ़ते हैं हमारा चौथा गेम की तरफ। हमारा जो चौथा गेम है उसका नाम है गैंग्स टाउन स्टोरी, जो 665 MB के तरफ आसपास आ जाता है, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। गेम गैंग्स टाउन स्टोरी अगर सर्च करोगे तो प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। ये गेम GTA जो गेम आप खेलते हो PC में उस गेम के जैसा है, और ये गेम आपको एंड्रॉइड में भी खेल सकते हो, और ज़्यादा MB भी नहीं है, 665 MB है। तो आप इतना दामी मोबाइल भी नहीं चाहिए, आपको महंगा फ़ोन भी नहीं चाहिए, आप थोड़ा कम महंगा फ़ोन से भी ये गेम खेल सकते हो। और ये गेम आपको सेम GTA जैसा मिलेगा, गाड़ी चोरी करना पड़ेगा, लोगों को मारना पड़ेगा, मारने के बाद आपको कुछ मिशन दिया जाएगा, तो वो मिशन कंप्लीट करना पड़ेगा, मिशन कंप्लीट करने के बाद आपको रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। तो ये गेम भी बहुत ही बढ़िया गेम है, आपको एक ओपन वर्ल्ड के लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस दे देगा। तो ये बिगिनर आप अगर हो तो ये गेम खेल सकते हो, और बता दूं कि ये गेम ऑफलाइन है, तो ये गेम आप खेल सकते हो। तो ये गेम आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, हमारा जो लिस्ट में सबसे आखिरी गेम है उसका नाम है फास्ट गैलेक्सी सर्वाइवर। तो इसका जो साइज़ है वो
78 MB का है, तो 78 MB। तो ये गेम आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वो भी फ्री में। तो ये इस गेम का जो बेसिक्स है वो आपको ऐसा है कि इस गेम में आपको एक अलग ही प्लेनेट पे डाल दिया जाएगा, जिस पे आप रिसर्च खुद करना पड़ेगा, रिसर्च करने के बाद आपको अपने शेल्टर बनाने पड़ेगा, अपने लिए खाना जुगाड़ करना पड़ेगा। तो इस गेम को खेलने में भी बहुत ही मज़ा आएगा, और शेल्टर बनाने ही पड़ेगा रिसर्च करके, क्योंकि शेल्टर नहीं बनाने से आपको कब कौन सा जानवर खा जाए कोई ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही खतरनाक जानवर भी रहेगा। ये गेम कुछ कुछ माइनक्राफ्ट जैसा भी है, तो आप उसका भी मज़ा ले सकते हो। लेकिन इसका जो ग्राफिक्स है मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, इसका ग्राफिक्स आप देख सकते हो, बहुत ही मज़ेदार ग्राफिक्स है। आप ये गेम खेल सकते हो, और एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा प्ले स्टोर पर, आपको ये गेम मिल जाएगा। इस गेम का नाम है फार्स गैलेक्सी सर्वाइवर। रुकिए रुकिए, जाने से पहले आपको बता दूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको सब नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।